अननोन फैक्ट अबाउट आयरन मैन। आखिरकार आयरन मैन को जापान ने क्यों बैन करके रखा है सब बताएंगे 30 सेकंड में। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रॉबर्ट डोनी जूनियर यानी कि आयरन मैन पूरी दुनिया घूम सकते हैं लेकिन जापान में नहीं। दरअसल ये बात है 2008 की, जब अपनी मूवी आयरन मैन की प्रमोशन के लिए वो जापान गए थे। जब रॉबर्ट एयरपोर्ट में उतरे तो जापान के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उनको वहीं पे पूछताछ के लिए रोक लिया। फिर काफी समय पूछताछ करने के बाद आयरन मैन को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया और आयरन मैन को वहीं पे एयरपोर्ट से वापिस आना पड़ा। एक्चुअली जापान ने इसलिए किया क्योंकि रॉबर्ट का पास्ट रिकॉर्ड बहुत ही खराब, ये पहले ड्रग्स स्मगलर थे। दोस्तों आयरन मैन आपको कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।